आज हम बनाएंगे बहुत ही कुरकुरा और आसान तरीके से बन जाने वाला पोहा का वड़ा। ये वड़ा सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है और शाम के टाइम चाय के साथ या तो कहीं ट्रैवलिंग पर जाने वाले हो तो ये बेस्ट स्नैक है। तो चलिए वड़ा बनाना शुरू करते हैं। हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू माय चैनल, आई एम पायल राठवा। पोहे का वड़ा बनाने के लिए पहले हम एक बॉल में 2 कप पोहा डाल देंगे। ये वही रेगुलर वाला पोहा है जो हम ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं आलू पोहा या तो कांदा पोहा बनाने के लिए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए पानी डालकर भिगो देंगे जिससे ये अच्छा सा सॉफ्ट और मैशी हो जाए। तो डूब जाए उतना आप पानी डाल दें इसमें और 2 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट जितना टाइम हो चुका है अब हम देख लेते हैं, तो देख सकते हैं पोहा सॉफ्ट होने के साथ साथ फूल भी चुका है। ये देखिए, अब इसमें से पानी निकाल देंगे और 2 बार इसे धो लेंगे और सारा पानी निकालने के लिए इसे स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे 2 बार धोना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च की पेस्ट। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा वड़े में। आप चाहो तो सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। सौंफ के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। मसाले में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो। और लाल मिर्च पाउडर के साथ हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1/2 चम्मच जितना या तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। वड़े में खट्टे टेस्ट के लिए 1 नींबू का जूस डाल देंगे। वड़े का टेस्ट खट्टा, तीखा और मीठा रहता है, तो नींबू के बाद हम डाल देंगे मीठे टेस्ट के लिए 1 चम्मच शक्कर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद आटा डाल देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप प्लेन रोटी वाला जो आटा आता है वो ले रही हूँ और 1/2 कप रोटी के आटे से थोड़ा मोटा जो आटा रहता है जो हम भाकरी या तो लड्डू बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो वाला ले रही हूँ। इसे एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे जिससे पोहे के ऊपर आटा अच्छे से लग जाए। ये अच्छे से आटे से कोट हो चुका है। अब हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए या तो डो बनाने के लिए हमें ज़रा भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पोहे में वैसे ही पानी रहता है, तो वो पानी ही ऐसे ही काफ़ी रहता है। पर अगर आपको लगे कि ये कट्ठा है तो हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे मसल लें। डायरेक्ट पानी ना डालें, नहीं तो फिर ये ज़्यादा गीला हो जाएगा और क्रैक पड़ जाएगी और ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हमारा डो लग चुका है। अब वड़े को हम 1 से 2 मिनट के लिए जितना रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और जो शक्कर डाली थी वो भी मेल्ट हो जाए। 1 मिनट रखा है इसे मैंने। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। इसे एक बार मिक्स कर ले। ये चीज़ मिक्स हो चुका है और अच्छा डो बनकर रेडी है। अब हम वड़ा बना लेते हैं।
तो वड़ा हम प्लास्टिक का जो पेपर आता है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे ये चिपके रहीं। मैंने यहाँ पर पानी लिया है जिससे वड़े का बैटर हाथ में चिपकेगा नहीं। और अब वड़े बनाने के लिए पहले हाथ को हम गीला कर लेंगे और साथ ही प्लास्टिक को भी हम गीला कर लेंगे। अब थोड़ा बैटर उठाएंगे और इसे हाथों से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो डो एकदम अच्छा सा स्मूथ बन जाएगा और क्रैक नहीं पड़ेगी। अब दूसरा हाथ गीला करके और ऐसा कर दें, दोनों हाथों के बीच में इसे चपटा कर लें। ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि किनारियों में क्रैक नहीं पड़ रही है और ये वड़ा हमारा बन चुका है। ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल भी दरारें नहीं दिखनी चाहिए। अब उसी तरीके से हम दूसरा वड़ा बना लेते हैं। तो ऐसे हाथ गीला कर ले, बैटर को ले लें, बैटर को गोल गोल घुमाकर हाथों से स्मूथ कर ले, फिर इसे दोनों हाथों के बीच में चपटा कर ले। तो है ना आसान वड़ा बनाना। उसी तरह से दूसरे वड़े बना लेंगे हम। तो ये देखिए वड़े बनकर रेडी है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रखा था मैंने और ये गरम हो चुका है। तो थोड़ा बैटर डालकर हम चेक कर लेंगे। ये तुरंत ऊपर आ रहा है, मतलब कि परफेक्ट है हमारा बैटर। तो अब हम डाल देंगे वड़ा। सावधानी से वड़े डालें क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। अब इसे हम ऐसे ही तेल में फ्राई होने देंगे और इसे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और जैसे ही नीचे की साइड हल्का कलर चेंज हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे और अब इसे हम अच्छा डार्क ब्राउन गोल्डन कलर आए तब तक पका लेंगे। ये देखिए वड़े का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और ये हमारे वड़े फ्राई होके एकदम रेडी है। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है वड़े का। अब इसे हम निकाल देंगे। ये वड़ा बाहर से बहुत ही कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बनता है। चाय के साथ ये वाला कुरकुरा वड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को किसी गेस्ट के आने पर या तो शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं, ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी।